नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट किन बॉलरों ने लिए हैं उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। एक मैच 5 दिन तक चलता है। इस बीच दोनों टीमें विरोधी टीम को दोनों पारियों में ऑल आउट कर मैच जीतने की कोशिश करती है। एक समय था जब टेस्ट की एक पारी में 500 से अधिक रन बनाते थे, लेकिन मौजूदा समय के गेंदबाज भी बल्लेबाजों पर पूरी तरह से हावी पड़ रहे हैं। 5 दिन तक चलने वाले मैच कई बार 3 दिनों के भीतर ही खत्म हो जाते हैं। वो सिर्फ गेंदबाजों के कारण ही संभव हो सका है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड आज भी उन गेंदबाजों के नाम है जो क्रिकेट को काफी सालों पर छोड़ चुके हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। तो दोस्तों 5वें खिलाड़ी है ग्लेन मैकग्रा। ऑस्ट्रेलियाई पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा को अब तक के सबसे महान तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है। उन्होंने 124 मैचों में 21.64 के औसत से और 51.9 की स्ट्राइक रेट से 563 विकेट लिए हैं। वही 1993 से 2007 तक लगभग 14 वर्षों के लिए ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम का हिस्सा थे। मैकग्रा टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए 29 बार 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज है। मैकग्रा ने 12 नवंबर 1993 को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था, जबकि 2 जनवरी 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेला था। दोस्तों 4थे खिलाड़ी है जेमी एंडरसन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन मौजूदा खिलाड़ियों में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज है। वह अभी भी 2 या अधिक वर्षों तक खेलने के लिए भी फिट और ठीक दिखते हैं। एंडरसन ने 162 मैचों में 26.67 के औसत से और 55.9 की स्ट्राइक रेट से 617 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 42 रन देकर 7 विकेट रहा है। एंडरसन ने 3 बार 10 या इससे अधिक विकेट लेने में सफल हुए हैं, जबकि 30 बार किसी एक मैच में 5 या उससे अधिक विकेट लेने में सफल हुए हैं। उन्होंने 22 मार्च 2003 को जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। कईयों का मानना है कि एंडरसन के पास वॉन को पीछे छोड़ने का भी मौका है। दोस्तों 3रे खिलाड़ी है अनिल कुंबले। भारतीय टीम के पूर्व महान स्पिनर अनिल कुंबले सबसे लंबे प्रारूप में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 132 मैचों में 29.65 के औसत से और 65.9 की स्ट्राइक रेट के साथ 619 विकेट अपने नाम किए हैं। कुंबले ने अपने टेस्ट कैरियर में 35 बार 5 विकेट या इससे अधिक विकेट लिए हैं और 8 बार 10 विकेट लिए हैं। वह एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले केवल 2 गेंदबाजों में से एक है। उन्होंने 1999 में दिल्ली टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। दूसरे खिलाड़ी है शेन वॉन। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉन को अब तक के सबसे महान स्पिनरों में से एक माना जाता है। बॉल ऑफ द सेंचुरी फेंकने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। उन्होंने 145 टेस्ट मैचों में 25.41 की औसत से और 57.4 की स्ट्राइक रेट से 708 विकेट लिए हैं। उन्होंने 37 बार 5 या इससे अधिक विकेट लिए हैं, जबकि 10 बार किसी एक मैच में 10 या इससे अधिक विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1994 में इंग्लैंड के खिलाफ 71 रन देकर 8 विकेट रहा था। वॉन ने 2 जनवरी 1992 को भारत के खिलाफ डेब्यू किया था, जबकि आखिरी टेस्ट 2007 इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। वॉन ने कई मौकों पर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई है। उनकी टन को पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था। पहले खिलाड़ी हैं मुथैया मुरलीधरन। श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 133 टेस्ट मैचों में 22.72 की औसत से और 55 की स्ट्राइक रेट से रिकॉर्ड बनाया था 800 विकेट का। मुरलीधरन के नाम सबसे लंबे प्रारूप में सबसे अधिक 5 विकेट हॉल लेने का भी रिकॉर्ड है। उन्होंने 67 बार 5 या इससे अधिक विकेट लिए हैं, जबकि 22 बार 10 से अधिक विकेट चटकाए हैं। वह 1992 से 2010 तक 18 वर्षों से अधिक समय तक श्रीलंका टेस्ट टीम का हिस्सा थे। मुरलीधर ने अपना 800वां टेस्ट विकेट अपने आखिरी टेस्ट मुकाबले में लिया था। मुथैया मुरलीधरन के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना फिलहाल किसी भी गेंदबाज के लिए आसान काम नहीं है। मुरलीधरन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1992 में टेस्ट डेब्यू किया था, जबकि आखिरी टेस्ट जून 2010 में भारत के खिलाफ खेला था। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट की अमेजिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा।